रंगदारी के दम पर अवैध रेता के कारोबार को लेकर ग्रामीण हुए एकत्र। नदियों से अवैध रेता उत्खनन किया जाता है, शासन मौन है, इसी कारण ग्रामीणों ने एकत्र होकर रेते का ट्रैक्टर पकड़ा। आचार संहिता के बावजूद भी शासन लचीला पड़ रहा है। परासिया के पेजनवाला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, शासन के विरोध में और अवैध रेते के उत्खनन को रुकवाया और ट्रैक्टर को खड़ा करवाकर शासन को बुलाया गया, क्योंकि इस अवैध कारोबार करने वाले ने पूरे गांव को धमकी भी दी थी कि जो शिकायत करेगा उसे घर से उड़वा देंगे और जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत पुलिस को की गई पर प्रशासन ने ध्यान कभी नहीं दिया, इसी कारण ग्रामीण लोग परेशान होकर ट्रैक्टर को रात में पकड़ा और खनिज अधिकारी को बुलाकर जब्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश से धीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यहाँ TI जो TI साहब का फोन आया था कि यहाँ इनके आसपास 10 किलोमीटर दूर पर कोई अवैध रेत उत्खनन के परिवहन के ऐसे जानकारी लगी है, 2 गाड़ियाँ जो है कहीं गांव वालों ने या कुछ और लोगों ने पकड़ी है। उसके तारतम में हम लोग यहाँ पर आए थे ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर बताया कि कुछ भट्टे वगैरह भी हैं जिसमें मतलब स्वीकृति नहीं या सेंक्शनिंग नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी भट्टे की भी जांच कर रहे हैं। यहाँ पे भट्टे के आसपास में कुछ रेत भी मिली है, उसके बारे में भी प्राथमिक देख करके हमने इस बात का विचार किया गांव वाले ने कि रात में गाड़ी चले, रात भर बच्चों की परीक्षा जिसको मना किया, भैया ढो दिन में ढोलो, रात में मना कर दिया था। इनने बोला कि मेरे को तहसीलदार पटवारी सबसे मैं पैसा देता हूँ, मेरे को रो सकता नहीं, पहला बिंदु। दूसरा ये आता है कि जो भी रिपोर्ट अगर कोई कार्रवाई तहसीलदार पे करेगा, शिकायत करेगा, उसकी मौत आई होगी, वो मुझे बचेगा नहीं मेरे से, उसको रात में उठ जाएगा वो। और वो है हरिजन आदिवासी माता एक्ट में, वो धमकी देता कि मैं आपको ऐसा फंसा दूंगा जमात नहीं होगी, हरिजन में है मेरा समाज और तुम है पिछड़ा वर्ग वाले हो, अगर तुमने मेरी कार्रवाई की तुम बचोगे नहीं। अभी ये कई इसकी धमकी से जनता इसे डर रही है, अभी भाषण से डर रही है, क्योंकि वो अभी तय कर रहा है कि मैं आदिवासी हल्ला करने में आपका ठोका करूंगा, अब जमात नहीं होगी। इस कारण डर के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पा।